आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हमारा ओलंपियाड डी का लेक्चर 2 है। मैंने आपको डीपीपी सेकंड शीट दी थी। आई होप एवरीवन हैव सॉल्व्ड द शीट एंड दोज हु हैव नॉट, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द शीट। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डिवाइडेड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बाय देयर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, हमने क्या करा, 2 के एडिटिव इनवर्स को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, तो एडिटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है किसी भी नंबर की जिसको उस नंबर में ऐड करने पे जो एक्चुअल ये टोटल वैल्यू आए वो 0 आए। मतलब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या है, 0 आए, तो वही 2 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसमें नेगेटिव ऐड करते हैं, और अगर ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव ऐड करते हैं। मतलब अगर ये 2 प्लस का है तो मुझे माइनस का 2 ऐड करना है, और अगर ये 2 माइनस का है तो मुझे प्लस का 2 ऐड करना है। क्योंकि जब मैं 2 प्लस माइनस 2 करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 2 गया 0, तो 2 का एडिटिव इनवर्स माइनस 2। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है जिसकी उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए। ठीक है, तो मैं 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 आए, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर पहुंचा देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे। मतलब जैसे 2 है नंबर और इसका मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर। तो जैसे ही मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2। ठीक, अब हमको क्या बोला गया है, इसमें वी डिवाइड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बाय देयर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मैंने बताया था बहुत सिंपली कि डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाना है और डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो 2 × 2 = 4 और माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 4। ठीक है, विच इज ऑप्शन, इसमें नहीं है तो आप ऑप्शन ई करके माइनस 4 लिख लेना। ठीक है, ऑप्शन ई करके आपको क्या लिखना है, माइनस 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू में थोड़ा सी करेक्शन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जहां पे ऑप्शन में 3/14 है उसको 30 कर लेना है बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। 0.1 and 0.5 के बीच में 4 ऑप्शनों में से ये पूछा गया है कि विच ऑप्शन डज नॉट लाई बिटवीन 0.1 and 0.5। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 0.1 और 0.5 के बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। कैसे, जब आप काउंट करोगे तो 0.10, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है, और चलती रहेगी ये काउंटिंग, और जब यहां तक हम पहुंचेंगे तो तब तक इसमें इन्फिनिटिव नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ी सी करेक्शन करनी है, उसमें ऑप्शन जो फोर्थ वाला है वो 30/14 करना है। ठीक है, नाउ इसमें पूछा गया है कि 0.1 एंड 0.5 के बीच में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन लाई नहीं करेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन लाई नहीं करेगा, मतलब किसकी वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू से अलग होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच वाली वैल्यू में नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, 0.1 से 0.5 के बीच में इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0.1 के बाद 0.11, 0.12, 1.3, 1.4 और ऐसे ही करते फिर 0.110, 1.11, 1.12, तो
0.1 से 0.5 के बीच में इंफिनिटिव नंबर होते हैं। अब हमको बस केवल ये चेक करना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इनके बीच में नहीं आएगा। तो जब मैं इसको बहुत जल्दी से डिवाइड कर लेना है आपको, जब मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 0.052 जो है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0.2, तो 0.2 और 0.1 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो है पर इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो 15 से 2 को 0.0 और 15 बचा 5, तो 0.1 आ गया यहाँ भी, तो 0.1 है, 0.1 और 0.5 के बीच में ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 1 को 7 से, तो 0.07 तो ये भी 0.1 है, तो ये भी 0.1 से 0.5 के बीच में होगा। हमको पूरा डिवाइड नहीं करना है, बस हमको एक लाइन जब हम पहला ही डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो उसके बीच में होगा या नहीं होगा। सपोज यहाँ पे 0.6 आ जाता तो ये बाहर निकल जाता ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे 0.1 है, अब आगे कोई भी वैल्यू हो तो 0.1 और 5 के बीच में ही होगी ऑब्वियसली, तो हमको पूरा करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.2 है तो 0.1 उसके बाद 2 आएगा, ठीक, उसके बाद 2 आएगा कहीं पे, तो वो भी इन दोनों के बीच में, तो उसको भी हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब लास्ट वाला है 30 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 2 जा 28, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बचा हमको उससे मतलब नहीं है, पर हमने यहाँ देखा यहाँ पे 2 आ गया, 0.1 और 0.5 से बड़ा होता है, तो ये ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि 30/14 0.1 और 0.5 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 0.1 है और 0.5 है, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं 2.0 हो जाएगा समथिंग, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई इन दोनों से, तो ये इन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकती। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बोला मल्टीप्लाई द सम ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ किस किस का, 3/2 and 2/3 के सम का मल्टीप्लाई करना है किससे, उसके डिफरेंस से, ठीक है। इनके सम को इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अब पता कैसे चला ये बड़ी वैल्यू है, ऊपर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू होगी, है ना, नीचे इसमें नीचे बड़ा है, ठीक है। अगर इसको तुम रफली दिमाग में थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, और जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66, तो ये बड़ा है। और वरना मैंने आपको बताया ही है ये वाला मेथड बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू पता करने का, कि दोनों के न्यूमरेटर को लिख लेंगे हम, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इसमें इसके इसमें, ठीक है। तो ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, 9 किसका आया है, 3 वाले का, जिसका न्यूमरेटर 3 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ठीक। तो ऐसे कर लेंगे हम। उसके बाद एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 बार में, 3 की टेबल में 6 2 बार में, तो 9 - 4/6 यहाँ आ गया 5/6, ठीक है। सम यहाँ निकाल लेते हैं, सम आ गया यहाँ पे एलसीएम 6 3 × 2 3 × 3 + 2 × 2, तो 9 + 4/6 विच इज 13/6, ठीक है। तो सम भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। अब इसने हमसे बोला था क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई निकालने के लिए 13/6 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/6 से, तो 13/5 = 65 और 6/6 = 36, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको पता होना चाहिए डिफरेंस और सम का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज रॉन्ग, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल ऑल्सो फाइंड इन योर एग्जामिनेशन, सो डोंट गेट स्टक इफ यू फाइंड द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओके। आई विल बी सेंडिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस क्वेश्चन इन द अपकमिंग डीपीपी 3rd टेस्ट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1 square meter मोर देन 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के हाफ से 1 meter ज्यादा है, 1 square meter ज्यादा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर का एरिया हाफ है, हाफ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ से एक ज्यादा है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इसके सामने, है ना, इक्वल टू के सामने तो उसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए मुझे जो वन प्लस करना वो इस तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने वो इस तरफ कर दिया फिर वो रेक्टेंगल की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ होगी, इसके सामने होगी, है ना। जैसे x लिखा होता तो x की वैल्यू कौन होगी, जो x के सामने, तो ऐसी एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ से एक ज्यादा है, ठीक है। और आगे इसने बोल दिया है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर वो 91 है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हमको बतानी है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन होती है उसकी लेंथ ब्रेथ, ठीक है, वो हमको बतानी है। गिवन इसने दिया हुआ है ब्रेथ इज 3/15 टाइम्स ऑफ द लेंथ, इसने क्या बोला है कि रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ का 3/15 टाइम्स है, है ना, मतलब उसकी लेंथ का 3/15 टाइम्स है, तो 3/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बोला जाता है 2 टाइम्स है तो 2 से इंटू कर देते हैं, 3 टाइम्स है तो 3 से इंटू, 7 टाइम्स है तो 7 से इंटू, यहां बोला है 3/15 टाइम्स है तो 3/15 टाइम्स से इंटू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई एरिया रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 1 91, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1, यहां मुझे 1/2 लेंथ तो ऐसी रहने देंगे और ब्रेथ की जगह क्या लिख देंगे 3/15 लेंथ, है ना, लेंथ का 3/15 ब्रेथ की वैल्यू थी, ठीक है, हमने उसकी जगह पर रख दिया। यहां आया 90, इधर आया 3 से ये कटा 5 बार में, तो 1 जब 1 2 5 जब 10, ठीक है। तो यहां से लेंथ आ गई L मल्टीप्लाई L, L की पावर 2, है ना, L और L, L की पावर 2, एक्सपोनेंट में किया था हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब x इंटू एक्स होता है तो x की पावर 2 लिख देते थे हम, x इंटू x इंटू x इंटू x, 3x होंगे तो x की पावर 3, तो सिमिलरली L इंटू L, L की पावर 2, अब हम L निकाल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 नीचे आएगा 10 ऊपर जाएगा, तो 90 × 10, ठीक है, एल स्क्वायर, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्कोर होता है सबके नीचे 1 ही है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 900, हम यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका निकाल देंगे एलसीएम, तो 900 का एलसीएम निकाल रहे हैं 2 से, ठीक है, 5 से, फिर 3 से, तो इसका एलसीएम आ गया, अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे उसको, 2 × 2 × 5 × 5, किसी को भी आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको मेन चीज देखनी है कि क्या ये पेयर्स में है या नहीं है, तो 2 और 2 पेयर्स में है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, 5 और 5 पेयर में है तो एक पेयर बाहर, 3 और 3 पेयर में है तो एक पेयर बाहर, ठीक है, एक पेयर मतलब एक वैल्यू बाहर। अब यहां से ये अंडर रूट का रोल खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने 2 पेयर में से एक वैल्यू बाहर लिखी तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारी L की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 2 = 10, या 2 × 5 = 10 × 3 30, तो लेंथ आ गया हमारा 30 मीटर, और यहां से ब्रेथ निकाल लेंगे तो ब्रेथ कितनी थी 3/15 ऑफ लेंथ, और लेंथ कितनी है 30, तो 15 × 1 = 15 × 2 = 8 × 2 = 6, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 30 और 6 वाला ऑप्शन है सी, लेंथ 30 एंड ब्रेथ 6 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, राइट द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है जहां से 2 डिजिट स्टार्ट होती है, तो 9 1 डिजिट, उसके बाद क्या आया 10 डिजिट, 10, तो 10 में कितने डिजिट होती है 2, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10, और
थ्री डिजिट कितना होगा 100, फोर डिजिट 1000, ठीक है। तो टू डिजिट 10, थ्री डिजिट होता है स्मॉलेस्ट, तो 100, फोर डिजिट होता है तो 1000, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट होगा ना वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। नेक्स्ट यहां पे बोला है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 999, जैसे ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9, टू डिजिट नंबर 99, थ्री डिजिट नंबर 999। अब इसमें बोला है क्या कि वो रेशनल नंबर बताओ जिसका डिनोमिनेटर, तो रेशनल नंबर कितना हो गया रेशनल नंबर, तो जिसका डिनोमिनेटर तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो तो डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है, और न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है मतलब न्यूमिनेटर ऊपर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ये आ गया, न्यूमिनेटर में ये आया, तो 999/10 विच मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्वेश्चन नंबर 7, 35 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम 1,40,140 सेंटीमीटर क्लोथ, ठीक है, मीटर क्लोथ, बहुत नंबर होगा, तो मतलब 35 शर्ट्स इतने मीटर कपड़े से बनाई जा सकती है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, तो मतलब हमको चार शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, तो सबसे पहले एक शर्ट का निकालेंगे या सीधा डायरेक्टली फोर का निकालते हैं, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर फोर शर्ट, ठीक है, चार शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, तो सबसे पहले अगर मैं एक शर्ट का निकालता तो इसको 35 से डिवाइड करता है ना, इसने ही तो बोला है कि 1,40,140 मीटर से 35 शर्ट बनती है, तो एक शर्ट कितने मीटर से बनेगी, तो इसको 35 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और पूछा क्या है, फोर शर्ट कितने मीटर से बनेगी, फोर से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हमको एग्जाम में भी यही करना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि चार शर्ट निकालनी है हमको, चार शर्ट में कितना कपड़ा यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शर्ट का निकालेंगे, एक शर्ट का निकालने के लिए 35 इतने कपड़े से बनती है, तो एक कितने से बनेगी 35 से डिवाइड, ठीक है, और फिर फोर शर्ट के निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई, तो पहले इसको आप 1 का निकालोगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक, टाइम बच जाएगा। तो यहां पे हमने किया 7 से 75 जा, 72 जा, ये 0, फिर 72 जा, फिर ये 0, ठीक है, फिर 51 जा 5, 54 जा 20, 0 0 0 और 54 जा 20, और 4 और 404 की इंटू करेंगे तो 16 मीटर, तो 16 मीटर विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, तो 16 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सीमा स्पेंड्स 3,434 ऑफ हर पॉकेट मनी, ठीक है, शी स्पेंड 1,212 ऑफ इट ऑन ए बुक, ठीक है, सीमा ने टोटल मनी कितने स्पेंड करी, वो है 3,434 इतने रुपए खर्च करे, किताब पे कितने गए ऑन ए बुक, किताब पे उसने खर्च करे 1,212 और उसके बाद मूवी पे कितने खर्च करे 1,616 आगे एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन ड्रेस, और बचे हुए पैसों की उसने ड्रेस खरीद ली,
तो ये बताना हमें व्हाट पार्ट ऑफ द पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑन द ड्रेस, तो उसने ड्रेस पे कितने रुपए खर्च करे. तो सी स्पेंड ऑन ड्रेस, तो टोटल कितने रुपए थे, टोटल कितने रुपए उसने खर्च करे थे, उसमें से मूवी में कितने करे वो माइनस कर देंगे, और मूवी में और बुक में जितने खर्च करे उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं मैंने, 8 2 8 2, ठीक है. हम दोनों को माइनस करना है 3 4 3 4 8 2 2 8, मतलब 2 8 2 8, या 6 0 6, तो 606 रुपए उसने हमारा खर्च करे किसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर. बहुत सिंपल से क्वेश्चन था कि उसने टोटल इतने रुपए खर्च करे, बुक के ऊपर इतने रुपए खर्च करे, मूवी के ऊपर इतने रुपए खर्च करे, और बचे हुए रुपए उसने ड्रेस के ऊपर खर्च कर दिए. तो ड्रेस पे कितने खर्च करे ये हमसे पूछा गया था. तो टोटल जितना खर्च करा उसमें से मूवी और बुक वाला माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ड्रेस के ऊपर कितने खर्च करे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है -6/13, क्वेश्चन नंबर 9 है, -13/2 -1/1/2, ठीक है, +1/2 × 1/4, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है सामने वालों की, और इससे ये डिवाइड हो रहा है ये. तो इससे पहले हमने 1 बार में 13 काट दिया, और 2 से 6 काटा 3 बार में, तो -3 यहाँ बचा. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जब 1, और नीचे 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जब 1, और 2 2 जब 2 4 जब 8, ठीक है. ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 2 1 2 और 8 का एलसीएम 8, वन की टेल में 8 बार में, 2 की टेल में 8 4 बार में, और 8 की टेल में 1 बार में. तो यहाँ आया -24 -4+1, ठीक है, अपॉन 8. तो माइनस 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 प्लस, तो 24 और 4, तो माइनस का 28 + 1/8, माइनस प्लस माइनस, 28 में से बन गया बचा 27, वैल्यू बड़ी माइनस की, तो इसके आगे माइनस का साइन, तो -27/8, which means option B, correct. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा, नीचे 1 2 8 था, एलसीएम 8 आया, 1 की टेल में 8 बार में, 2 की टेल में 4 बार में, 8 की टेल में 1 बार में, इनकी इनटू करी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, पर बड़ी वाली माइनस की थी इसलिए माइनस का साइन, ठीक है. अब माइनस प्लस माइनस कर दिया, बड़ी वाली माइनस की थी इसलिए माइनस का साइन, -27/8, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 1 3 9 7 3/9 8 7 9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो आप अगर इसको डिवाइड करने की सोचोगे किसी नंबर से तो बहुत टाइम लगने वाला है, और हो सकता है कि आपका रिजल्ट गलत आ जाए, ठीक है. तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि उनको क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दो, तो बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है. 9879 यहाँ बचा 4, यहाँ 6, ठीक है, 9, यहाँ बचा 0, और यहाँ बचा 4, ठीक है. ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये छोटा हो गया, तो जैसे यहाँ पे छोटा होगा रिजल्ट, फिर जो डिवाइजर था उसको डिवाइड कर देंगे, तो 4094
टू जा एट, एटीन वन कैरी और फोर टू जा एट, उनको माइनस किया वन, यहां पे बचा 17 और 9, यहां बचा 7, 6 और यहां से 1, अब इससे 4094 को आई थिंक 2 जा 281 कैरी 12, 130 वन कैरी 2 2 1 3, दोनों को माइनस करते हैं, यहां आया 2, यहां 1 एंड 7, ठीक है 712, तो 712 से अभी हमको डिवाइड करना है 1691 को, तो पूजा करते हैं 4 2 14, यहाँ बचा 7 8 6, यहाँ 2, अब इससे 712 को तीन बाजी में करूंगा तो शायद बड़ा जाएगा, तो 2 बाजी ही करना पड़ेगा, 14 वन कैरी 12 बाय 13 वन कैरी 2 2 4, ठीक है दोनों को माइनस करा फिर फाइनली कट गया 89 से, तो मतलब हमारा SCM आया 89, तो आप अगर इसको कर रहे होते हैं उतने वाले तरीके से तो 89 तक चेक करना पड़ता, तो हो सकता है एंड में गलती आ जाता, तो 89 से ये भी डिवाइड होगा, 89 से ये भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो बस अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले को 13973, 89 से डिवाइड हुआ वन बार में 89, ठीक है यहाँ से उतारा 0, यहाँ से उतारा 5 7, 5 बार में ठीक है 45 5, 4 कैरी 40 और 4, दोनों को उतारा 2 6, ठीक है 2 6, यहां से उतारेंगे आप 3 और 7 बारे में 63 6 6 6 6, ठीक तो ये ऊपर वाला कटा 157, और अभी देख लेता हूं ऑप्शन में, तो 157 इकलौता डी ऑप्शन है, तो इसके नीचे वाला ऑब्वियसली 111 होगा, ठीक है थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ऐसे नहीं बस करते चले जाओ भेड़ चाल, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शन से भी, तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया 157 ऊपर वाले का है, अब वो केवल ऑप्शन डी में है, तो नीचे वाला जो होगा वो 111 ही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, तो ये था हमारा डीपीपी टेस्ट 2।